हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफएम मॉड्यूल डी का यूनिट 21, जो कि है बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये चैप्टर फिर से रिपीट हो रहा है। हमने जो मॉड्यूल बी में जो यूनिट 10 का पार्ट 5 है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देखी हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक क्विक रिकैप जल्दी से ले लेते हैं रिविज़न के लिए। तो बोल रहा है कैपिटल और बैंकिंग रेगुलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, वो उस कंपनी का कैपिटल या नेटवर्थ होता है। किसी भी कंपनी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एडिक्वेट कैपिटल जो है वो रखे। जो कि कैपिटल कहाँ से आता है फ्रेंड्स, जो भी ओनर्स होते हैं उस बिजनेस में उनका जो स्टेक्स होता है उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और बैंकिंग बिजनेस में भी जो कैपिटल है वो ऐसे ही हम लोग लेते हैं। तो कैपिटल जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है कि उनका जो एक्सपेक्टेड लॉस है या फिर वर्स्ट केस जो लॉस है उसका जो डिफरेंस है वो उसको रिकवर करने के लिए सफिशियंट हो, प्लस में ये उसके शेयर होल्डर को एडिक्वेट रिटर्न भी प्रोवाइड करे। तो कैपिटल जो होता है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कुशन की तरह काम करता है, जो कि उसको जो भी अनफेवरेबल आउटकम होते हैं या वो एक्सट्रीमली हो या जो भी हो एक्सपेक्टेड लॉस हो, तो उससे बैंकों को प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प करता है। अभी बैंकिंग रेगुलेशन में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है सिस्टमिक रिस्क। फ्रेंड्स, हमने टाइप ऑफ रिस्क जब किया था वहाँ पे भी हमने देखा था कि सिस्टमिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमिक रिस्क है जहाँ पे कि कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्ट होने की वजह से उससे रिलेटेड जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी प्रभावित होती है, और इसकी वजह से एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इफेक्टेड होता है। तो उसी को हम लोग सिस्टमिक रिस्क कहते हैं और इसी को रिपल इफेक्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, रिपल इफेक्ट, यानी किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लॉस या रिस्क बेयर करने की वजह से अगर पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अगर डिफॉल्ट होता है तो उसी को हम लोग रिपल इफेक्ट कहते हैं। तो बैंक इससे बचने के लिए क्या करती है, बैंक जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस लेती है, ताकि जो बैंकिंग सिस्टम के जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें बैंक के प्रति। और ये बैंकों को इनकरेज भी करता है ताकि वो उनका जो इक्विटी कैपिटल है वो उसको रिड्यूस करके अपने रिटर्न को इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए बैंकों को क्या ज़रूरत है कि वो जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस है और उनका जो कैपिटल है ये जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हो। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स है 1988 BIS अकॉर्ड जो हमने देखा था ऑलरेडी। 1988 में BIS अकॉर्ड जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, जहाँ पे कि इंटरनेशनल रिस्क बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी जो है उसके लिए कुछ नॉर्म्स जो हैं वो फिक्स किए गए थे। और इसको जो भी बेसल कमेटी के उस टाइम पे 12 मेंबर्स थे तो उन्होंने इसको मिलके बनाया था और इसको ऊपर साइन किया था। तो इसी में फ्रेंड्स एक मेन टर्म है कुकी रेशियो। कुकी रेशियो भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा CRAR होता है वो एज पर BIS नॉर्म्स जो है 8% मेंटेन करना होता है कैपिटल एडिक्वेसी, जो कि इंडियन बैंक्स के लिए 9% मेंटेन करना है। तो CRAR हम लोग कैसे निकालते हैं, बैंक का जो टोटल कैपिटल होता है उसको हम लोग टोटल रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड करते हैं। ये रिस्क वेटेड एसेट जो है ये आपका क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क का जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट होता है उसको कंबाइन करके हम लोग टोटल कैपिटल से डिवाइड करते हैं तो हमारा CRAR निकल के आता है, और इसी को हम लोग कुकी रेशियो कहते हैं। और इसमें हम लोग ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट दोनों ही एक्सपोजर को इंक्लूड करते हैं। ये भी फ्रेंड्स हमने कैपिटल कैलकुलेशन के जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 10 उसमें हमने किया था। तो चैप्टर 10 अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको ये आप ये यूनिट जो है इसको स्किप कर सकते हैं। दे आर यूज टू कैलकुलेट बैंक्स टोटल रिस्क वेट एसेट। ये बैंक का टोटल रिस्क वेट एसेट को कैलकुलेट करके इसको निकाला जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क का टोटल रिस्क वेटेड एसेट ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट दोनों को मिला के जो आएगा उसी को हम लोग कुकी रेशियो कहेंगे। और ये बैंक के टोटल क्रेडिट एक्सपोजर को भी मेजर करने में हेल्प करता है। अभी जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है कैपिटल एंड इट्स कॉम्पोनेंट। तो फ्रेंड्स बुक में जो है ये एज पर बेसल 2 दिया हुआ है कैपिटल एंड इट्स कॉम्पोनेंट। तो ये मैं आपको बुक से नहीं, मैं आपको नोट से बताऊंगी। तो अभी जो है हमारा जो टोटल कैपिटल डिवाइडेड है वो टीयर 1 और टीयर 2 में डिवाइडेड है।
टीयर वन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, CET1 और AT1, जिसको कि हम लोग गोइंग कंसर्न कैपिटल कहते हैं, और टीयर टू जो है उसको हम लोग गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं। तो देखते हैं CET1 में क्या क्या हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। CET1 का जो कॉम्पोनेंट है वो है कॉमन शेयर्स, जिसको हम लोग पेड अप इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं। फिर है स्टॉक सरप्लस, शेयर प्रीमियम, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, सरप्लस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अदर डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एट 55% डिस्काउंट। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एट 55% डिस्काउंट का मतलब फ्रेंड्स कि हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है वो 45% लेना है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन रिजर्व्स एट रेट ऑफ 25% डिस्काउंट, यानी कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन रिजर्व्स हमें 75% लेना है। फिर नेक्स्ट है 81। 81 में क्या क्या आएगा? 81 में आएगा PNCPS, यानी परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स, जो कि मैक्सिमम 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टुगेदर विद इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सेस अमाउंट बी इंक्लूडेड इन टीयर टू कैपिटल। अगर RWA के 1.5% से अगर ज्यादा अमाउंट आ रहा है हमारे PNCPS में, तो उसको हम लोग टीयर टू कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो 81 के लिए एलिजिबल है वो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, और इसमें से जो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट एंड डिडक्शन है उसको माइनस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, टीयर वन हो गया, टीयर टू में हम लोग क्या क्या लेंगे। तो टीयर टू जो है वो सबसे पहले तो है कि मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ टीयर वन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर हमारा टीयर वन मान लीजिए 2000 करोड़ है और टीयर टू 2500 करोड़ है, तो हम लोग उसको 2000 करोड़ तक ही ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे? जनरल प्रोविजंस एंड लोन लॉस रिजर्व्स, जिसमें स्टैंडर्ड लोन प्रोविजन, फ्लोटिंग प्रोविजन, कंट्री एक्सपोजर प्रोविजन, एक्सिस प्रोविजन ऑन सेल ऑफ NPAs, काउंटर साइक्लिकल प्रोविजन बफर, इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट, ये सारे ले सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स मैक्सिमम 1.25% ऑफ RWA हो सकता है। ये दोनों पॉइंट फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखिएगा, जो PNCPS है वो 1.5% ऑफ RWA होगा, और जो हमारा जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स है वो मैक्सिमम 1.25% ऑफ RWA होगा। फिर नेक्स्ट है डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर टीयर टू, और नेक्स्ट है प्रिफरेंस शेयर रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर, यानी कि RNCPS और RCPS, यानी रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर। फिर स्टॉक सरप्लस जो टीयर टू कैपिटल के लिए एलिजिबल होगा वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, और इसमें से जो भी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट और डिडक्शंस होंगे उसको हम लोग माइनस करेंगे। और फ्रेंड्स ये एक चार्ट आप देख लीजिए, इसको भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा परसेंटेज एज पर BCBS और एज पर RBI नॉर्म्स कितना कितना हमें मेंटेन करना है बैंकों को। तो जो मिनिमम CET1 रेशियो है वो इंडिया में 5.5% और BCBS के अकॉर्डिंग 4.5% मेंटेन करना होता है। 81 जो है मैक्सिमम 1.5% और BCBS में भी 1.5% हम लोग ले सकते हैं। ये 1.5% का मतलब है फ्रेंड्स कि हमारा RWA का 1.5% तक हम लोग ले सकते हैं, और बियॉन्ड 1.5% जो है वो हम लोग टीयर टू में इंक्लूड करेंगे। मिनिमम टीयर वन कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा? 1+2, यानी कि CET1 और 81 का ऐड जो है 5.5 + 1.5 = 7%, 4.5 + 1.5 = 6%। फिर है टीयर टू कैपिटल। टीयर टू कैपिटल जो है वो मैक्सिमम 2% तक होगा, और BCBS में भी ये 2% ही है। तो टोटल मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो हमारा कितना हो गया? 7% + 2% = 9%, और BCBS में 6+2 = 8%। यही हमारा जो रेशियो है ये मेंटेन करना होता है। फिर इसके ऊपर अभी CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है ये मेंटेन करना है 2.5, और BCBS में भी 2.5। तो मिनिमम CET के साथ हमारा CCB हो गया 8% और BCBS हो गया 7%। फिर नेक्स्ट है मिनिमम CET1 प्लस CCB हो गया फ्रेंड्स 5.5 + 2.5 = 8%, और ये 4.5 + 2.5 = 7%। और मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस CCB हो गया 11.5, यानी कि 9% + 2.5 = 11, 8% + 2.5 = 10.5%। और CCB जो है फ्रेंड्स उसका भी चार्ट हम लोग एक रिवाइज करते हैं। मिनिमम CCB स्टैंडर्ड जो है वो हमारा
2.5% का टोटल होता है, जिसको कि हम लोग रेंज करते हैं 5.5% से 6.125%, ग्रेटर देन 6.125% से 6.75%, ग्रेटर 6.75% से 7.375%, ग्रेटर देन 7.375% से 8% और ग्रेटर देन 8%। ये जो है ये 5 स्लैब में डिवाइडेड है और इसमें हर स्लैब का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो 0.625% होता है। तो अगर आप 5.5 और 8 अगर आपने याद कर रखा है, मिनिमम 5.5 और मैक्सिमम 8, और इसमें से आप 0.625 जो है माइनस करते चले जाएंगे तो आपको ये सारा स्लैब जो है वो निकल के आ जाएगा। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड वो है काउंटर साइक्लिकल बफर। अभी ये भी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर फ्रेमवर्क जो है इसको CCC हम लोग कहते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू बिल्ड कैपिटल बफर इन गुड टाइम्स टू मेंटेन फ्लो ऑफ क्रेडिट टू रियल सेक्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स। कि अगर आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो आप एक कैपिटल बफर जो है वो बना के रखेंगे जो कि आप कब यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी डिफिकल्ट टाइम में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टू रिस्ट्रिक्ट बैंक्स फॉर इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग इन द पीरियड ऑफ एक्सेस ग्रोथ। और ये बैंकों को इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग से जो है वो प्रोविडेट करता है इन पीरियड ऑफ एक्सेस ग्रोथ। तो कंपोजिशन ऑफ CCB क्या है, इन द फॉर्म ऑफ CET1 कैपिटल, यानी CET1 कैपिटल के फॉर्म में आपको CCC जो है वो मेंटेन करना होता है। और इसका भी रेंज जो है वो 0% से 2.5% ऑफ टोटल RWA होगा। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये RWA का 0% से 2.5% तक मेंटेन करना होता है। और CCCB का डिसीजन जो है वो प्री अनाउंस किया जाता है RBI के द्वारा विद अ लीड पीरियड ऑफ 4 quarters। अभी एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो यूनिट 10 था वहाँ पे रह गया था, उसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रही हूँ कि बेसिल 3 के अकॉर्डिंग जो है रेगुलेटरी एडजस्टमेंट और डिडक्शन क्या क्या हम लोग लेंगे। तो पहले क्या था कि बेसिल 2 में हम लोग जो भी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट लेते थे वो 50% फ्रॉम Tier 1 एंड 50% फ्रॉम Tier 2 लेते थे। लेकिन बेसिल 3 में बैंकों को ये है कि वो अपना जो मोस्ट ऑफ द डिडक्शन है जो उसको रिक्वायर है वो कॉमन इक्विटी यानी CET1 से एडजस्ट कर सकती है। तो इसमें क्या क्या है एडजस्टमेंट, तो पहला है गुडविल एंड ऑल अदर इंटेंजिबल एसेट, कोई डिफर्ड टैक्स एसेट्स अगर है तो वो डिडक्ट होगा। कैश फ्लो हेज रिजर्व्स अगर कुछ बैंकों का है तो वो डिडक्ट होगा। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर कैश फ्लो बैंकों का पॉजिटिव है तो ये डिडक्ट किया जाएगा और अगर निगेटिव है तो इसको ऐड किया जाएगा। फिर अगर कोई स्टॉक ऑफ प्रोविजंस में अगर कोई शॉर्टफॉल है और उसकी वजह से कोई एक्सपेक्टेड लॉस अगर कैलकुलेट किया गया है अंडर IRB अप्रोच तो उसको भी हम लोग रेगुलेटरी एडजस्टमेंट और डिडक्शन में लेस करेंगे। अगर कोई सेल रिलेटेड है सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन का तो उसमें अगर कोई गेन हुआ है बैंकों को, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब जो हम लोगों ने फ्रेंड देखा था SPV के थ्रू जो बैंक सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन करती है, वहाँ पे अगर बैंकों को उसमें कोई सेल से कोई गेन अगर होता है तो वो भी यहाँ से डिडक्ट किया जाएगा। क्यूमुलेटिव गेन्स एंड लॉसेस ड्यू टू चेंजेस इन ओन क्रेडिट रिस्क ऑन फेयर वैल्यूड फिनेंशियल लाइबिलिटीज़, अगर बैंकों का कोई फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ के ऊपर अगर कोई क्रेडिट रिस्क बैंकों ने कैलकुलेट किया हुआ है और उसके लिए कोई अगर गेन या लॉस हो रहा है तो उसका क्यूमुलेटिव जो है वो इसमें से डिडक्ट किया जाएगा। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन फंड एसेट एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि अगर पेंशन फंड में अगर कोई एसेट एंड लाइबिलिटीज अगर डिफाइन किया गया है तो उसको भी इसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे। इसमें अदर डिफाइंड एम्प्लॉयज फंड भी जो है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। अगर बैंकों ने ओन शेयर्स में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये ट्रेजरी स्टॉक से रिलेटेड होता है, तो इसको भी हम लोग डिडक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एंटिटीज, अब बैंक जो है कि अदर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस एंटिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको भी जो है वो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट एंड डिडक्शन में जो है लेस किया जाता है। तो ये बैंक अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे कर रही है तो ये बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनीज इक्विटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर सोलो लेवल पे भी है तो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अभी इसमें जो है कुछ लिमिट दिए गए हैं फ्रेंड्स, कि बैंक जो है किसी भी कंपनी या किसी बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के में कितने लिमिट तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। ये हमने एबीएम के मॉड्यूल डी के चैप्टर में भी देखा था, यहाँ पे भी एक बार हम लोग इसको क्विक रिकैप लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा रेगुलेटरी एडजस्टमेंट और डिडक्शन में जो है माइनस किया जाएगा। तो बैंक जो है वो कभी भी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स कैपिटल फंड का किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। शुड नॉट एक्वायर एनी फ्रेश स्टेक इन अ बैंक इक्विटी शेयर इफ बाई सच एक्विजिशन द इन्वेस्टिंग बैंक होल्डिंग एक्सीड 5% ऑफ द इन्वेस्टिंग बैंक इक्विटी कैपिटल। अगर बैंक जो है किसी दूसरे बैंक के में अगर 5% जो है होल्डिंग, मतलब 5% से एक्सेस अगर उसकी होल्डिंग है, तो वो उसमें कोई भी फ्रेश स्टेक जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, कैन नॉट होल्ड शेयर्स अमाउंट एक्सीडिंग 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स विच एवर इज लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये कई बार सीआईबी के एग्जाम्स में पूछ चुका है कि बैंक जो है वो किसी भी कंपनी में या बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो उसका शेयर होल्डिंग लिमिट है, वो उस कंपनी के जो 30% पेड अप शेयर कैपिटल है या बैंक का जो अपना पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है उसमें से जो कम है, विच एवर इज लेस, उतना तक वो जो शेयर जो है वो उसमें होल्ड कर सकती है। किसी सब्सिडियरी कंपनी या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 10% ऑफ द बैंक पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स तक वो होल्ड कर सकती है। अगर कोई नॉन फिनेंशियल सर्विसेज है जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ऐसी कंपनी जो नॉन फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहाँ पे 10% ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल या 10% ऑफ बैंक पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व विच एवर इज लेस, वहाँ तक बैंक जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। नॉन फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी हेल्ड बाई बैंक, अब ये तो फ्रेंड्स कंपनी हो गई जो नॉन फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ऐसे बैंक जो नॉन फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये अगर बैंक्स की कोई सब्सिडियरी इंटाइटीज है, बैंकों का कोई ज्वाइंट वेंचर है या म्यूचुअल फंड जो कि एएमसी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और इसको बैंक कंट्रोल कर रही है, तो इस तरीके के एक्विजिशन में बैंक क्या करेगी कि वो 20% ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। अब नॉन फिनेंशियल सर्विसेज हो गए, अब फिनेंशियल सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कर रही है वहां पे जो है नॉट एक्सीड 20% ऑफ द बैंक पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, मतलब बैंकों का यहाँ पे तो था जो नॉन फिनेंशियल था, वहां पे कंपनी का जो 20% पेड अप शेयर कैपिटल था उससे ज्यादा बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। और जो ऐसे बैंक या कंपनी जो फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वहां पे बैंकों का जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स है उसका 20% तक बैंक जो है इन्वेस्ट कर सकती है। और ये जो कैपिंग है फ्रेंड, ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट होता है बैंकों का, जो कि बियॉन्ड 90 डेज का होता है, उस पे ये कैपिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती और ये इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है 21, इसका एक क्विक रिकैप हमने ले लिया और ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आप यूनिट 10 का पार्ट 5 वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको ये वीडियो जो है आप को क्विक रिकैप के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।